अल्पसंख्यक एनजीओ फोरम बिना किसी राजनीतिक दल का झंडा लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज में विभिन्न तरीकों से काम कर रहा है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं पर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास किया जा सके। दिसंबर से अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 तक पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक विकास अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई। ये कार्यकर्ता राज्य के प्रत्येक कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिलेंगे और सामाजिक समस्याओं की मांगों का विवरण देंगे। इसी मांग को लेकर सरकार, प्रशासन और जनता को जागरूक करने के लिए राज्य स्तरीय यात्रा का आयोजन किया गया है। प्रत्येक जिला प्रशासन कार्यालय के दौरे के बाद मुंबई में मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक विकास मंत्री के साथ अल्पसंख्यक विकास परिषद, सामाजिक संगठनों की बैठक और महा अल्पसंख्यक एनजीओ फोरम आगामी शीतकालीन विधानसभा के दौरान विरोध प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जाकिर शिकलगर, संस्थापक अध्यक्ष फहीम कुरैशी, मिशन अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर असलम बारी, जिला अध्यक्ष हामिद कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष रफीक शेख, जिला सचिव खाजिस्ता खान, जीत सचिव रियाज अहमद, कोषाध्यक्ष और कुतुब जफर, आफताब आलम, यूसुफ शेख, फारूक कैंसर, सीमा आरिफ मौजूद रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़, नागपुर।